बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने थर्ड ईयर कैलकुलस के टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ और इसमें मैं आपको चैप्टर कराऊँगा प्लेन कर्व्स का, और टॉपिक्स में आपको स्टार्ट करवाऊँगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ कॉनिक्स। Tangents and norms. Remember that ये जस्ट आपकी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ tangents आप किसी कर्व के कैसे निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला है y माइनस y1 is equal to slope, और किसी कॉनिक की स्लोप होती है डी वाई और डी एक्स एट द पॉइंट, या इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट निकालना है एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व at a point x1 y1, अगर आपको एक कॉनिक दी जाए, आपको एक कर्व दी जाए, कॉनिक दी जाए, आपसे कहा जाए कि इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि जो कर्व है उसका डेरिवेटिव निकालना है, dy dx निकालना है, फिर dy dx में वो पॉइंट पुट करना है जिस पॉइंट पर आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने को कहा गया। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, यानी ये चीज आपको देगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप कॉनिक की कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइड डीएक्स निकालेंगे, उसमें जो पॉइंट आपको गिवन है जिस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट पुट करने से ये आपके पास बन जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और फार्मूला, चूंकि टेंजेंट एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला है वाई माइनस वाई वन is equal to slope into x minus x1, y1 और x1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट निकालने को कहा गया। अब यही चीज आपको नॉर्मल के लिए निकालनी, मतलब नॉर्मल की अगर आपकी इक्वेशन निकालनी है तो जस्ट टेंजेंट और नॉर्मल में फर्क होता है स्लोप का। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे भी आपने देखा ये होती है डी वाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल का एक रिलेशन है परपेंडिकुलर का, नॉर्मल लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस वन ओवर डी वाई डी एक्स एट एक्स वन y, यानी इसकी स्लोप का रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन लेंगे तो ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। इसमें हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं और आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व या टू द कॉनिक ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एट अ पॉइंट P into x1 y1। ये आपको कॉनिक दी गई है और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की इस पॉइंट P into x1 y1 के ऊपर। इसको कहते हैं मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और ये तीन में से किसी एक कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही होती है,
देखो उससे पहले एक और बात की पेयर ऑफ लाइंस भी हो सकती है. वन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, वन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस इफ ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये डिटरमिनेंट जीरो इक्वल. ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई के कोफिशिएंट को हम 2h कहते हैं, वहां से हम h फाइंड कर लेंगे. एक्स के कोफिशिएंट को 2g कहते हैं, वहां से हम g फाइंड कर लेंगे. फिर उसके बाद दोबारा x को हम पहले फाइंड कर चुके हैं, b है वो y स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहा जाते हैं. f y के कोफिशिएंट को 2f कहते हैं, वहां से f फाइंड कर लेंगे. और इसी तरह g f c और c कांस्टेंट टर्म है. तो ये तमाम चीजें ऑन इक्वेशन वन से ऑब्जर्व करने के बाद आप इसमें पुट कीजिए. अगर ये डिटरमिनेंट आ जाए जीरो तो फिर ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइंस. फिर ये दो लाइंस हैं. लेकिन अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करती तो फिर ये क्या करती है, किसी कोने को रिप्रेजेंट करती है. कौन सी कोने को रिप्रेजेंट करती है, तीन बेसिक कोनिक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये. या तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, वन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, अगर एक्स के माइनस ए बी इक्वल हो जीरो और यही इक्वेशन वन जो है ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी. अगर एक्स के माइनस ए बी लेस देन जीरो हो और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी. अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो. ये तीन चीजें जिसके जरिए आप मालूम कर सकते हैं कि वन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ लाइंस को. उसके लिए मैंने आपको डिटरमिनेंट लिख के दिया, अगर वो जीरो हो तो पेयर ऑफ लाइंस को, अगर वो जीरो नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये पेयर ऑफ लाइंस को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, किसी कोने को रिप्रेजेंट कर रही है. तीन कॉनिक्स पैराबोला एलिप्स या हाइपरबोला, तीन में से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रही है. उसके लिए आप एक टेस्ट लगाएंगे एक्स के माइनस ए बी का, इसकी वैल्यू देखेंगे. अगर जीरो आ गई तो ये फिर पैराबोला है, लेस देन जीरो आ गई तो एलिप्स है, और ग्रेटर देन जीरो आ गई तो हाइपरबोला है. तो ये मेन चीजें ध्यान में रखने के बाद अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरफ. अब चूंकि ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है, जस्ट समझाने के लिए मैं ग्राफ बना देता हूँ, चलेगी इलिप्स का बना देता हूँ. अदरवाइज ये पैराबोला भी हो सकती है, हाइपरबोला भी, लेकिन समझने के लिए ठीक है. ये पॉइंट है P इनटू x1 y1 और ये हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे. टेंजेंट लाइन, टेंजेंट एक लाइन है और उस लाइन को कहते हैं जो किसी कर्व को किसी कोनिक को एक पॉइंट पर टच करते हुए आगे गुजर जाती है. तो अब हमारे पास पॉइंट मौजूद है, जस्ट स्लोप चाहिए. तो स्लोप का जैसे मैंने आपको कहा है कि डी वाई डी एक्स जो होता है कोनिक का डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप को जाहिर करता है. और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको जब स्लोप चाहिए तो वो पर्टिकुलर पॉइंट उस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे तो ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कोनिक की. तो इसके लिए आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई. डेरिवेटिव लेते हैं डायरेक्ट, ए कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x एक्स वाई पे प्रोडक्ट 2 लगा दीजिए, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स होगा, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 बी वाई, बी एज इट इज और वाई स्क्वायर का 2 है, फिर वाई का डेरिवेटिव दोबारा डी वाई डी एक्स प्लस 2 जी इंटू 1 प्लस 2f into dy/dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 और साथ में dy/dx और c का डेरिवेटिव 0 is equal to 0. अब हम ये करें कि dy/dx एक साइड पे कर लें और y dy/dx एक साइड पे कर लें, तो ये हो गया 2ax प्लस 2hx, पहले हम सिंपल कर लेते हैं, 2hx dy/dx प्लस 2hy प्लस 2by/dy/dx प्लस 2by/dy/dx प्लस 2g
plus 2f dy dx is equal to 0. इन तीन में से dy dx कॉमन ले लिया, साथ में 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो hx plus by plus f into dy dx, और इन तीन टर्म्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तमाम टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, ax plus hy plus g. तो dy dx की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 2 इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ. 2 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास जो डेरिवेटिव है कोनिक का वो आ गया माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ. एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं है, जब तक आप ये पॉइंट पुट नहीं करेंगे जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है तब तक ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं कहलाएगी. मतलब ये जनरली जितने भी पॉइंट्स हैं इस कर्व के ऊपर, ये उन तमाम पॉइंट्स की स्लोप को जनरली रिप्रेजेंट कर रही है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो वो पॉइंट आप इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स वन, एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन प्लस जी डिवाइडेड बाय एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ. ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई. अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरफ. दस equation of tangent at x1, y1 is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1, जहां पे m से हमारा स्लोप है जो हमने निकाल चुके. तो अकॉर्डिंग वैल्यूज इसमें पुट कीजिए, y1 y1 ही है, स्लोप की जगह पे ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी डिवाइडेड बाय एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ इंटू एक्स माइनस एक्स वन. क्रॉस मल्टीप्लाई कर एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ multiplied by y minus y1 is equal to minus ax1 plus hy1 plus g into x minus x1. Multiplication hx1 y minus hx1 y1 plus BY1 minus BY1 square plus FY minus FY1 is equal to minus AXX1 minus AX1 square plus H x y1 minus h x1 y1 plus g x or minus g x1. Brackets खोल दीजिए, h x1 y minus h x1 y1 plus b y y1 minus b y1 square plus fy minus fy1 is equal to minus axx1 plus
ए एक्स वन स्क्वायर माइनस एच एक्स वाई वन माइनस माइनस प्लस एच एक्स वन वाई वन माइनस जी एक्स और प्लस जी एक्स हुआ। अब अगला मरला इसको बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं, एक बेहतर फॉर्म में हमारे सामने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाए, तो इसके लिए इसमें यू कर लें आसान लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नेगेटिव टर्म्स उधर है उनको इधर लें और इधर जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको उधर ले जाए, फॉर्म आसानी से बन जाएंगे। ये टर्म इधर लें ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन बी वाई वाई वन, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए उधर की और नेगेटिव टर्म्स कौन सी है, ये प्लस एच एक्स वाई वन और ये इधर से पहले से एच एक्स वाई एक्स वन वन, उसके बाद इधर से माइनस डी एक्स आके प्लस डी एक्स और ये पॉजिटिव पहले से, तो उधर की सारी नेगेटिव टर्म उठा के इधर लें और इधर जो पॉजिटिव इधर रहने थे और उधर जो नेगेटिव उनको इधर लें, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर, उसके बाद प्लस एच एक्स वन वाई वन और ये टर्म उधर जाएगी प्लस एच एक्स वन वाई वन प्लस जी एक्स वन और ये माइनस एफ वाई वन इधर आकर प्लस एफ वाई वन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन, एच कॉमन लीजिए तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई और ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन, इसको आप कह दीजिए नंबर टू। नेक्स्ट आपको ये जो पॉइंट दिया गया था ये उस कॉनिक के ऊपर था, आपको कहा गया था कि ये पॉइंट है P into x1 y1, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, तो ये आपके सामने इक्वेशन नंबर टू हो गई। अब आप इस चीज को देखिए कि जो पॉइंट हमें गिवन था जिसके ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है P into x1 y1, वो कॉनिक के ऊपर लाई कर रहे उस, और इसकी पहचान के आपको कैसे पता चलेगा, उसके साथ एड कर ये पॉइंट है जिसके ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो जब ये पॉइंट कॉनिक के ऊपर है तो इसका मतलब ये कॉनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग लिखिए सिंस p इनटू x1 y1 लाइज ऑन द गिवन कॉनिक लाइज ऑन द गिवन कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय 1 जिसको हमने वन के जरिए रिप्रेजेंट कर रखा है, देयरफॉर दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इक्वेशन वन, क्योंकि जो पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर होता है उस ग्राफ को सेटिस्फाई कर होता है, तभी तो उस ग्राफ के ऊपर होता है, अगर उस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उस ग्राफ के ऊपर वो नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट अगर कोनिक ग्राफ के ऊपर है कॉनिक इक्वेशन को मींस के सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट x1 y1 आप पुट कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन 1 थी a x स्क्वायर, तो ये हो जाएगी a x1 स्क्वायर प्लस 2 h x1 y1 प्लस आगे b y स्क्वायर था, y1 पुट करने से b y1 स्क्वायर प्लस 2 g x1 प्लस 2 f y1 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह दीजिए। अब आप इक्वेशन टू की और थ्री इक्वेशन टू की राइट साइड को देखें और उसको कंपेयर करें इक्वेशन थ्री की लेफ्ट साइड से, ए एक्स वन स्केयर ठीक हो गया टू एच एक्स वन वाई प्लस बी वाई वन स्केयर, आगे है टू जी एक्स वन है यहाँ पे जी एक्स वन है, इसका मतलब एक जी एक्स वन हमें और चाहिए, टू एफ वाई वन यहाँ पे एफ वाई वन है तो यहाँ पे हमें एक एफ वाई वन और चाहिए और सी चाहिए, तो आप लिखिए एडिंग
एडिंग, एक जी एक्स वन हमें चाहिए, एक एफ वाई वन चाहिए और एक सी चाहिए ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन टू। इक्वेशन टू की दोनों साइड्स पर ये चीजें अपने पास से ऐड कर दीजिए। तो ये लिखते जाइए, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच इंटू एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, ये जो चीजें हमने ऐड की हैं। और इसी तरह उसकी इक्वेशन टू की राइट साइड थी ए एक्स वन स्केयर प्लस बी वाई वन स्केयर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन, और ये जी एक्स वन और ये जी एक्स वन जो हम ऐड करेंगे टू जी एक्स वन हो जाएगा, एफ वाई वन प्लस एफ वाई वन टू एफ वाई वन प्लस सी। और ये हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच इंटू एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस, इन दोनों में से जी कॉमन, एक्स प्लस एक्स वन, इन दोनों में से एफ कॉमन, वाई प्लस वाई वन प्लस सी। और ये आप इस साइड को देखिए, ए एक्स वन स्केयर प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्केयर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, ये सारी चीज किसके इक्वल है, जीरो के। तो हमारी राइट साइड इक्वल हो जाएगी जीरो, और इसमें हम हवाला देंगे इक्वेशन थ्री बाई थ्री, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंप्लीट हुई, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच इंटू एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी। इसमें आपको ए बी एच जी एफ और सी ये कहां से हासिल होंगे, ये आपको कॉनिक से हासिल होंगे। कॉनिक से आप ए बी सी को कंपेयर कर लेंगे कि आपके पास ए बी सी क्या है, ए बी सी जी और एच डी एफ ये क्या है, और एक्स वन और वाई वन क्या होंगे, ये उस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे जिस पॉइंट के ऊपर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ। तो जस्ट स्लोप का फर्क होता है, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी इंटू एक्स वन वाई वन, जस्ट फर्क होता है रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई थी वो आई थी माइनस साइन के साथ ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी ओवर एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। तो एक तो साइन चेंज कर दो और उसको उल्टा, ये हो जाएगी एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ डिवाइडेड बाय ए एक्स वन प्लस एच वाई वन और प्लस जी, ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई। पॉइंट वही है, इसी पॉइंट से आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो पॉइंट यही यूज होगा, स्लोप ये इस्तेमाल होगी और आप लोग लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय, फॉर्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल भी एक लाइन है
y minus y1 is equal to m into x minus x1. y1 y1 ही है, स्लोप हमारे पास ये है, h x1 plus b y1 plus f divided by a x1 plus h y1 plus g into x minus x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा y minus y1 into a x1 plus h y1 plus g is equal to x minus x1. इसे मैंने पहले लिख दिया और ये साथ में h x1 plus b y1 plus f. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है. इसको मजीद बेहतर अंदाज में सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम इसको यहीं पर छोड़ दें, तो कोई इसमें मुजायका नहीं है. लेकिन मजीद आप मल्टीप्लाई करा के लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, मैं इसको यहीं पर छोड़ दूँ. अभी ये हमारा थ्योरम जारी है. ये मेन थ्योरम करने के बाद अभी हमारी जो चीज बाकी है वो डिडक्शन बाकी है. कुछ डिडक्शंस हैं तो उनको देख लीजिए, फिर ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा. तो इसमें भी मेनली आप ये देख चुके हैं कि जनरल कॉनिक जो है उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसके किसी पॉइंट के ऊपर कैसे हम निकाल पाते हैं, तो ये फार्मूले आपके सामने हैं. तो अभी हम नेक्स्ट ये करते हैं कि जो स्टैंडर्ड पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला है उनकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालते हैं. तो इसके लिए now we find equation of tangent to standard hyperbola, standard parabola pehle kar lete hain, to standard parabola aur standard mein bhi pehle hum le lete hain y square is equal to 4ax at p into x1 y1. ये हमारे पास हो गई. Now given equation of conic is y square is equal to 4x. 4x किधर ले आते हैं, तो y square minus 4x is equal to 0. अब reduction का मतलब ये कि जो हमारे पास एक well known result आ चुका है उसी को इस्तेमाल करते हुए हम result जो है अखज करेंगे, उसी की बुनियाद पे फिर ये reduction कहलाएगी. तो आप इसको compare कर लेंगे जो आपके पास general conic है, ये standard conic है, standard form है parabola की, आपने इसको general के साथ compare करना है. General आपको given थी ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. अब कंपेयर कर लेते हैं. इसमें देखिए सिर्फ y square वाली टर्म है और y square के कोएफिशिएंट को b कहते हैं और यहां पे 1 है, तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू 1 है. और दूसरा x है और x के कोएफिशिएंट को 2g कहते हैं, तो यहां पे है minus 4a. 2g is equal to minus 4a, तो g की वैल्यू माइनस 2 है. बाकी सारी चीजें एब्सेंट है, x का टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि a 0 है. उसके बाद x y वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब h 0 है. फिर b y स्क्वायर टर्म हमने लिख दी, फिर 2g x g हमने लिख दिया, 2fy, तो f 0 है क्योंकि इसमें f y वाली टर्म नहीं है जिससे y की पावर 1 आ रही, तो f 0 है और c की वैल्यू 0. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी फिर, एंस. तो अब जब हमारे पास ये सारी चीजें हो चुकी हैं, एलिमेंट्स हो चुके हैं कि b की वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और इधर b था, तो b 1 हो गया. x का कोएफिशिएंट 2g था, यहां पे minus 4 है, तो g के लिए minus 2 है, बाकी तमाम चीजें 0 में. तो हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला
y square is equal to 4ax at p into x1 y1 is given by. जब आपने इस पैराबोला को स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया है तो यहां पे अब आपने टेंजेंट भी वही लिखना है जो इस जनरल इक्वेशन का आपके पास टेंजेंट आया था और वो था ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच इंटू एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो ए की वैल्यू आपके पास है जीरो, बी की वैल्यू वन है तो वाई वाई वन हो जाएगा, बी की जगह वन. एच आपके पास जीरो है, जी आपके पास माइनस टू ए है, माइनस टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन, और आगे f और c दोनों जीरो हैं तो नेक्स्ट टू टर्म्स जीरो हो गई इज इक्वल टू जीरो. तो ये आपके पास जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y square is equal to 4x उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन रही है y by 1 is minus 2a into x plus x1 is equal to 0, जिसको हम यूं लिख देंगे y by 1 is equal to 2a into x plus x1. ठीक है जी, तो ये हमारी पहली डिडक्शन होगी पैराबोला के बारे में. अब आप नेक्स्ट डिडक्शन देखिए इलिप्स के हवाले से, जो सेकंड है इलिप्स, और यहां पे जो इलिप्स हमें दी जा रही है वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. वन को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और इसको दोबारा मोस्ट जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो कंपेयर करते थे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कराता है ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी कहलाता है तो बी का कोफिशिएंट 1 ओवर बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 1 ओवर बी स्क्वायर. एच इसमें एक्स वाली टर्म नहीं है तो एच जो है वो मैं डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूं, एक्स वाली टर्म नहीं है तो जी की वैल्यू भी जीरो हो गई, वाई वाली टर्म नहीं है तो एफ की वैल्यू भी जीरो हो गई, वाई पावर 1 की कोई टर्म नहीं है और कॉन्स्टेंट सी जो है वो माइनस 1 आ रहा है. तो हेंस hence equation of tangent to the ellipse x square over a square plus y square over b square is equal to 1 at p into x1 y1 is given by. स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज करेंगे इसका टेंजेंट का, टेंजेंट की जो अभी हमने इक्वेशन डिराइव की थी ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच इंटू एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो ए की जगह 1 ओवर एक्स के एक्स एक्स वन, बी की जगह 1 ओवर बी स्क्वायर इंटू वाई वाई वन, एच की वैल्यू जीरो है हमारे पास, जी की वैल्यू जीरो है, एफ की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू माइनस वन है. एक्स एक्स वन ओवर एक्स के प्लस वाई वाई वन ओवर बी स्क्वायर और माइनस वन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू वन. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है फॉर स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. और लास्ट है जी हाइपरबोला.
स्टैंडर्ड हाइपरबोला और एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो सेम उसी तरह एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो अब आपको कंपेयर करना आ चुका होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए कहलाता है और यहाँ पे है वन ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट बी कहलाता है तो बी है माइनस वन ओवर बी स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म सी कहलाती है. बाकी तमाम चीज़ें जीरो हैं, एच इसमें नहीं है, जी इसमें नहीं है, एफ इसमें नहीं है. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय फार्मूला, बार बार मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ए एक्स एक्स वन प्लस बी वाई वाई वन प्लस एच इंटू एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो एक ही जगह पे वन ओवर ए स्क्वायर पुट कर दें, वन ओवर ए स्क्वायर एक्स एक्स वन प्लस वन ओवर बी स्क्वायर वाई वाई वन, एच जी और एफ जीरो है तो नेक्स्ट थ्री टर्म जीरो हो जाएंगे और सी माइनस वन है इज इक्वल टू जीरो. तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वन, उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है वो ये पाली, ये बीच में माइनस था वाई वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी जिसमें हमने पहले मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री उसका हमने उसको हमने लिया, उसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड किए. फिर हमें जो तीन स्टैंडर्ड पैराबोलास इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशंस हैं हमने उनको लिया और उनके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को डिडक्ट किया. तो ये सारा टॉपिक आप एक अच्छी तरह समझ लीजिए, जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया.